दिन ये लाइव शेलिंग चल रही है शारदा में। उस टाइम इंडियन बर्बरियत जो है, इंडियन जारियत जो है, इंडियन हुकूमत का जो बुजदलानापन है, आप देख सकते हैं कि पूरा शारदा उस टाइम गोलों की गन गरज से, गनों की गन गरज से पूरा शारदा गूंज उठा है एकदम की ये फायरिंग। और इस फायरिंग से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये सारे के सारे फायरिंग। और मैं आपको दिखाता चलूं, ये मासूम बच्चे, ये स्कूल के बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं ये बर्बरियत है, ये जारियत है, ये बुजदलानापन है इंडिया का, हिंदुस्तान का। ये गवर्नमेंट कहता है स्कूल के बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, आप इन बच्चियों की कंडीशन देखें, बच्चियों की हालत देख सकते हैं। ये है इंसानी इख्तियार की कदरें, ये है ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, आप देख सकते हैं नाज़रीन लिखे हुए इधर। ये सारी ये देखें, ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल और कॉलेज के बच्चे, गर्ल्स हाई स्कूल की ये बच्चे हैं, मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो है वो बिलबिला रही हैं। आप देख सकते हैं गोलों की गूंज, ये है गवर्नमेंट, ये है नाज़रीन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शारदा। और मैं आपको दिखा दूँ ये लाइव कवरेज चौधरी अख्तर युग के साथ जी एस पी टीवी। अंदर जाओ बेटा, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ मेरे बेटा। ये देखें छोटे छोटे ओए छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप नीचे बैठ जाएं। ये देखें मासूम छोटे छोटे बच्चे, बौखलाए हुए बच्चे, और ये बच्चे हैं सारे के सारे, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चे बच्चियाँ हैं। नाज़रीन ये हालात हैं इस मुल्क के, ये तरीक़ाकार है इंसान की। ये तमाम आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ये इंडियन बम्बार्टमेंट की, इंडियन अटरली की आवाज़ें हैं। मैं आपको दिखाऊं कि मैं इस टाइम भाग के चूँगे लाइव कवरेज के लिए, भाग के इस सनसनाती और दंदराती जो गनों की गरज में मैं गर्ज़ा स्कूल शारदा में पहुँचाऊँ छोटे छोटे बच्चों के पास। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें छोटे छोटे बच्चे नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे जो अपनी क्लासों में डेस्क को छोड़ के नीचे बैठे हुए, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे जो इंडियन बम्बार्टमेंट और उससे घबराए हुए मासूम बच्चियाँ, यहाँ देखें जो घर से अपनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, टीचर बच्चों को दलासा दे रहे हैं, टीचर बच्चे। ये देखें बेटा आराम से, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप मनाजर, और ये बम्बार्टमेंट देखें, ये जारियत का, जारियत की हद को देखें। जी एस पी टी वी के साथ आप चौधरी अख्तर युग के साथ हैं। ये देख रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको लेने के लिए पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, और ये अपनी क्लासों में घबराए हुए बच्चे। ये देखें इनके शोर की आवाज़ सुने, ये बच्चियों की गूंज सुने। और आप देख रहे हैं जी एस पी टी वी में आपका मेज़बान बैरो चीफ चौधरी अख्तर युग सिस्टम लाइव कवरेज शारदा की फायरिंग के अंदर। आप देख सकते हैं कि पूरा स्कूल, ये देखें नाज़रीन कंप्लीट सन्नाटा हो चुका है पूरे गांव में। लोगों ने अपने घरों के नीचे ते में जगह ले ली हुई है, पूरा धुएं के गुबार है पूरा इलाका। ये देख सकते हैं नाज़रीन आप, ये देख सकते हैं गुबार से पूरा इलाका, ये गोलों की गुबार से पूरा इलाका ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे दो मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल लेवल की जंग छिड़ी हो। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शारदा है, हम यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ। यहाँ का हालात देखें अब, अभी तक कोई, ये देख लें नाज़रीन ये सारी आवाज़ें, ये बम्बार्टमेंट की तमाम आवाज़ें, ये इंडियन जारियत की और बुजलाना, इंडियन बुजलाना फौज की ये वो हरकतें हैं जो मासूम बच्चों तक को भी नहीं छोड़ती। अंदर जाओ बेटा, अंदर जाओ, बाहर ही करो। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, मुअज्ज़ज़ शेरी, बूढ़े, सारे की सारी दुनिया यहाँ पे परेशान हाल है। आप देख सकते हैं ये मनाजर लाइव जी एस पी टी वी से। मैं आपका मेज़बान चौधरी अख्तर युग, इस टाइम लोग जो है अपने बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को फायरिंग के अंदर लेके भाग रहे हैं लोग। अब देखें कि लोग अपने घरों को, अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समय है, क़यामत जैसा समय बरपा है, क़यामत जैसा ये समय है। और मैं आपको लाइव कवरेज दे रहा हूँ शारदा से, ये आवाज़ें, ये देखें आसमान की बुलंदियों को गनों के बमों का धुआं जो है वो छू रहा है। आप देख सकते हैं कि आसमान की बुलंदी को छूता जा रहा है ये तमाम बम्बार्टमेंट की, इंडियन अटरली फायरिंग की गनों का वो धुआं है यहाँ पे जो बम्बार्टमेंट हो रही है। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको आज की ये सारी की सारी बम्बार्टमेंट लाइव दिखाऊँगा। हम जरा बच्चों को दिलासा दे लें, छोटी छोटी बच्चियों को दिलासा दे लें, मैं फिर आपको लाइव कवरेज पर लेता हूँ अल्लाह ने के बाद।